हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल शॉली चौहान ब्लॉग्स। और फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अब मैं बैठी हूँ अपनी फेवरेट जगह पीछे, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पेड़ों के पास बैठ के, और अपनी टी पी रही हूँ। सो प्लीज़ आप लोग भी पी लीजिए। सारी सफाई वफाई हो गई है, बस नहाना रह गया, चाय पी ले तो दो चाय ना हो जाए, मज़ा नहीं आता। तो ये आ गया है बाद, घंटी बज रही है। फ्रेंड्स, ये मेरा सबसे सबसे फेवरेट एरिया है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल बाहर बैठो, आराम से ऐसा लगता है जैसे कि गांव में ताज़ी हवा ले रहे हो, बैठे हो। सेम बस भाई ना, मैं सुबह मेरा ज़्यादातर यहीं बैठती हूँ, थोड़ी देर चाय पीती हूँ और फिर अंदर का देखती हूँ। तो अंदर का तो मेरा सब काम फिनिश हो गया है, बस नहाना है, मैं जाके नहाऊंगी। और फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अब किचन में और आज बनेगी लौकी चना की दाल, बहुत फेवरेट होती है बच्चों के लिए भी, बहुत अच्छी लगती है बच्चों को भी। सो आ जाइए, चलते हैं, इसकी रेसिपी बताती हूँ। इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, लौकी ली मैंने, चना लिया, ये जो मसाले होते हैं बेसिक वो, टमाटर, प्याज और हींग, जीरा, और ये रखा मैंने कुकर, कुकर में डाला जीरा, जीरा हमारा थोड़ा चटक जाए अच्छे से थोड़ा सा, और फिर उसके बाद हमें डाल देना है हींग। ये हमने डाल दिए हींग, और ये है प्याज। ये वाली दाल बहुत अच्छी लगती है खाने में भी, और सब्जी की तरह ही बनती है तो बहुत टेस्टी होती है। ये देखिए, प्याज को हमें हल ब्राउन, हमारा भुन जाए मतलब वैसा ब्राउन कर लेना है, और जो कि मसाले होते हैं बेसिक तौर पे हम लोग जो रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं मसाले, वही मसाले में डालने हैं, धनिया, लाल मिर्च, नमक और हल्दी, सभी में देखो मैंने डाल दिया है। और वही मैं पुराना वाला फिर बोलूँगी कि हमें जब तक मसाले को पकाना होता है जब तक तेल और मसाले अलग अलग ना हो जाएं। देखिए, ये मेरा तेल और मसाला अलग दिखने लगा है। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, ये देखिए मैंने टमाटर काट के रख लिए थे दो, वो डाल दिया है मैंने टमाटर, और अच्छे से इसको मैश कर लेना है, इसलिए तो मैं इसमें डालूँगी नमक। आप टमाटर में जब डालो तो नमक डाल दीजिए तो थोड़ा, और थोड़ा सा पानी डालिएगा तो टमाटर जो है उनकी बहुत अच्छी ग्रेवी बन जाती है, बिल्कुल मैश हो जाते हैं अच्छे से। तो देखिए मैंने टमाटर में थोड़ा सा पानी डाला और नमक डाल दिया, और मैं कुकर को देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, मेरा कितना सुंदर देखिए ग्रेवी तैयार हो गई है। और मैं इसमें अब ऐड करूँगी दाल, चने की और लौकी। ये देखिए मैंने डाल दी है दाल और लौकी, और एक चीज़, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हमें भून लेना है, मतलब थोड़ा अच्छे से भुन जाए, इसका जो पानी होता है वो थोड़ा वैसा हो जाए। और ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि लौकी जो है वो पानी छोड़ती भी है। सो ये देखिए मेरी पक के तैयार हो गई है, और मैंने डाल दिया है इसमें गर्म मसाला, जो कि मेरी जो क्लिप थी वो डिलीट हो गई थी, सो गर्म मसाला डाल दिया था। और ये है नींबू, मैंने अपना नींबू एक निचोड़ लिया है अच्छे से, आप ऑप्शनल नहीं होता है वैसे तो डालना, डालो तो बहुत स्वाद अच्छा आ जाता है, बिल्कुल सब्जी की तरह बनती है और बहुत टेस्टी होती है, और आप इसे घर में बना के ज़रूर खाइएगा। और इसमें एक चीज़, आप ना इसको चावलों के साथ बहुत खाइएगा, बहुत बहुत टेस्टी लगती है, चावल, रोटी और दाल, है ना। सो फ्रेंड्स, देखिए ये मेरी पक चुकी है बहुत अच्छे से, और आ जाइए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और पुराना वाला डायलॉग, हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू अगले ब्लॉग्स के लिए। सो हरे कृष्णा।